नेपाल के तस्करों को बाघ की हड्डियां बेचने जा रहे दो वन तस्करों को कल पीलीभीत में यूपी एसटीएफ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बाघ की 1.5 से 2 वर्ष पुरानी हड्डियां बरामद हुई। एक आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर बरामद की गई बाघ की हड्डियों की जांच कराई जा रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज सुबह 10 बजे से चलेगा व्यापक सफाई अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ स्वच्छता अभियान में श्रमदान करने की अपील। प्रदेश में दिसंबर में होगा कृषि कुंभ का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि कुंभ को वैश्विक समारोह बनाया जाए, प्रदेश के सभी जनपदों के साथ अन्य राज्यों की भी हो भागीदारी। वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने पर कब्जे के मामले में सुनवाई हुई पूरी। 4 अक्टूबर को आ सकता है फैसला। और पीलीभीत में बाघ की हड्डियां बेचने जा रहे दो वन तस्करों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।